सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जैसे कि दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन में माई 11 सर्कल पे बैकअप प्लेयर को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन में माई 11 सर्कल पर बैकअप प्लेयर ले सकते हैं, जिससे दोस्तों आप वहाँ पर प्लेयर को आप सिलेक्ट कर लेते हैं किसी वक्त पहले भी, तो लेकिन दोस्तों 7:30 बजे के बाद वहाँ पर लाइनअप होता है, लेकिन दोस्तों आप वहां पर भूल जाते हैं कभी कभी 7:30 बजे। तो उस पर आप कैसे बैकअप प्लेयर ले सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको याद भी नहीं होगा तो भी दोस्तों आपका प्लेयर वहां पर बैकअप ले लेगा, एंड वहां पर जो भी प्लेयर नहीं खेलेगा उसके बदले कोई और प्लेयर आ जाएगा। तो किस तरीके से दोस्तों ये कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में बने रहना एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, माई 11 सर्कल ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप माई 11 सर्कल ऐप को ओपन कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से बैकअप करना है अच्छे से देख लेना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एक यहाँ पर टीम को ले लेना है जिसे आप करना चाहते हैं। सो गाइस, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ जो 7:30 बजे यहाँ पर चेन्नई और यहाँ पर लखनऊ में होने वाला है, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो नीचे देख पर होंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा माई टीम। तो दोस्तों आपने जो भी टीम बनाया होगा वो आपको दिख जाता है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर माई टीम पर क्लिक कर लेता हूं। एंड दोस्तों क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर वाला आपको ये दिख रहा है ये हमारा टीम है, और यहां पर जो नीचे दिख रहा है ये रिकमेंडेड आपको दिखा रहा है कि आप ये भी टीम बना सकते हैं। तो आपको यहां पर ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये आपने टीम बनाया हुआ है। तो गाइज यहां पर आपका ये जो टीम है यहां पर आपका शो हो जाता है। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, किस तरीके से बैकअप करना है, तो यहां पर दोस्तों आपको एक इस तरीके का सिंपल देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहां पर आप क्लिक कर लेते हैं तो यहां पर आपको जो भी बैकअप प्लेयर करना है तो यहां पर कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों यहां पर ऊपर की तरफ देख पाएंगे सिलेक्ट अप टू 4 बैकअप्स, मतलब कि दोस्तों यहां पर आप 4 प्लेयर को यहां पर बैकअप में ले सकते हैं, जिससे दोस्तों कोई भी प्लेयर नहीं खेलता तो उसके बदले वो दूसरा प्लेयर खेल लेगा। तो गाइस यहां पर आपको 4 प्लेयर यहां पर कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपको MS धोनी, यहां पर बहुत सारे देख पाएंगे, यहां पर विकेट कीपर एंड बैट्समैन दिख जाता है, ऑलराउंडर दिख जाता है, एंड यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर आपको ये दिख जाते हैं जो भी आपको यहाँ पर बॉलर्स सब देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर चारों में आपको एक एक प्लेयर को लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं बैक होता हूँ, एंड बैक होने के बाद मेरा ये जो टीम है मैं टीम पर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों टीम पर क्लिक करने के बाद देख पाने की यहाँ पर मेरे जितने भी मैंने यहाँ पर प्लेयर को ले रखा है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आपको लगता है जो कि जैसे कि यहाँ पर आपको निकोलस पूरन है, जैसे कि आपको लगता है कि ये प्लेयर नहीं खेलेगा तो यहाँ पर आपने इसे ले रखा है लेकिन आपको लगता है ये नहीं खेलेगा, तो दोस्तों कैसे आप इसका बैकअप ले सकते हैं, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद दोस्तों इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे बैकअप पर क्लिक कर लेते हैं तो दोस्तों क्लिक करने के बाद देख पाएंगे जो हमने निकोलस पूरन को देखा था, तो दोस्तों अब आपको लगता है कि जो निकोलस पूरन है वो नहीं खेलेगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, वो जो बैट्समैन था दोस्तों, वो जो निकोलस पूरन वो बैट्समैन है, तो आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर आपको बैट्समैन में आ जाना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको 2 प्लेयर ये जो दिख रहे होंगे ये आपको बॉलर, यहाँ पर विकेट कीपर 2 आपको दिख रहे होंगे, एंड नीचे आपको ये जो दिख रहा है ये आपको बैट्समैन दिख रहे होंगे ये सभी। तो दोस्तों इनमें से आपको कोई भी एक प्लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे प्लेयर मिल जाता है, तो किसी भी एक प्लेयर पर क्लिक कर लेंगे। जैसे दोस्तों मैं इस प्लेयर पर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर करने के लिए इस पर क्लिक कर लेंगे, एंड यहाँ पर हमारा जो बैकअप हो जाता है एक हो जाता है। अब दोस्तों इसी तरीके से आपको विकेट कीपर में भी किसी भी एक प्लेयर को ले लेना है, तो यहाँ पर मैं MS धोनी को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। जैसे पहला प्लेयर आयुष, यहाँ पर मैंने इसे ले लिया। दूसरा प्लेयर दोस्तों यहाँ पर हमें विकेट कीपर को ले लेना है। तीसरा दोस्तों यहाँ पर आपको ऑलराउंडर को किसी भी को भी ले लेना है, तो यहाँ पर मैं किसी भी को एक को भी ले लेता हूँ। तीसरा दोस्तों यहाँ पर लेने के बाद अब आ जाते हैं पर बॉलर होता है उससे हमें लेना है, तो किसी भी एक को मैं यहाँ पर बॉलर को ले लेता हूँ। जिस तरीके से दोस्तों आपको 4 प्लेयर लेना है, एक आपको विकेट कीपर, एक आपको बैट्समैन, एक ऑलराउंडर और लास्ट आपको लेना है बॉलर को। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 4 करने के बाद नीचे आपको
सेव टीम मिल रहा होगा। जैसे सेव टीम पर क्लिक कर लेते हैं तो दोस्तों अब यहाँ पर अगर आपने जो भी टीम बनाया हुआ, जैसे मैं अपने टीम पर क्लिक करता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पर अब क्या होगा कि 7:30 बजे अगर ये निकोलस पूरा नहीं खेलता है तो दोस्तों मैंने जिस बैट्समैन को मैंने सेलेक्ट किया था इसके बदले वो आ जाएगा, जिससे दोस्तों आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, वहाँ पर आपका कोई भी रैंक कम नहीं होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल नहीं खेलता है तो वहाँ पर आपको धोनी आ जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका रविंद्र जडेजा नहीं है तो वहाँ पर आपने जो भी ऑलराउंडर लिया था उनमें से एक आ जाएगा। इस तरीके से बॉलर में भी जो भी नहीं होता है तो वो आपका आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप बैकअप ले लेंगे एंड यहाँ पर आप जैसे ही सेव कर लेंगे, जैसे मैंने आपको सेव करके दिखाया उस तरीके से दोस्तों आप कर लेंगे तो आपका वहाँ पर बैकअप हो जाता है। अब दोस्तों बैकअप होने के बाद 7:30 बजे जो प्लेयर नहीं खेलेगा वो ऑटोमेटिक बैकअप ले लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप माई 11 सर्कल पर बैकअप ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना।